स्ट्रीट साइड में मिलने वाली वेज चाउमीन की रेसिपी सबको बहुत पसंद आती है। ये खाने में जितनी ज़्यादा टेस्टी है, बनाना तो उतना ही आसान है। स्पेशली जब हम घर पे ट्राई करते हैं तो उस तरह का फ्लेवर नहीं आ पाता, लेकिन इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर देखिए, आपको बिल्कुल वही टेस्ट और फ्लेवर मिलेगा इस रेसिपी को बनाने के बाद। इसे बनाने की कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक हैं जो मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी, तो इसे पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए जो हमें बेसिक सब्जियों की ज़रूरत है सिर्फ वही मैंने ऐड किया है ताकि आसानी रहे आपको। तो यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन हमें चाहिए, जिसके दोनों पार्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, वाइट पार्ट को भी और ग्रीन पार्ट को भी। ग्रीन पार्ट बेसिकली गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे ले लिया मैंने कैबेज, थोड़ा सा गाजर और शिमला मिर्च, आप कलरफुल शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च ले लिया चॉप करके, और यहाँ पे देखिए सारी सब्जियों को मैंने लेंथ वाइज काटा है इस तरह से। आप चाहें तो इससे भी बारीक चॉप कर सकते हैं, और जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से चॉप करके आप इसमें सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। इनके बाद हमें यहाँ पे चाहिए बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक, लगभग 2 टेबलस्पून के लगभग है। काटने के बाद ये देखिए, अब सबसे पहले हम चाउमीन को बॉयल करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 5 कप पानी को बॉयल कर लिया है। अब डालेंगे इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच तेल ऐड कर देंगे, ताकि चाउमीन आपस में स्टिक ना करे और बिल्कुल अलग अलग वो बॉयल हो। तो यहाँ पे अच्छा बॉयल आ चुका है, तो हम यहाँ पे 2 पैकेट चाउमीन के इसमें ऐड करेंगे। तो बीच से तोड़ के ऐड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा से तोड़ लिए मत, नहीं तो वो लच्छे जो बनते हैं वो नहीं बन पाएंगे। ये देखिए ऐड कर दिया है मैंने, और इसे उबालने का इंस्ट्रक्शन पैकेट के पीछे भी लिखा रहता है, लेकिन 10 मिनट में अच्छी तरह से उबल जाते हैं। पूरी तरह से इन्हें कुक नहीं करना है आपको, गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई के बीच ही रखिए। जब ये 90% तक डन हो जाए उसके बाद हम इसे बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से मिक्स कर लिया है, जैसे ही लच्छे खुलने लगेंगे हम ऊपर नीचे करते हुए इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। ये देखिए ये अलग होने लगे हैं, और लगभग 7 से 8 मिनट हो चुका है इसे पकते हुए, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप इस तरह से प्लेट में लेके इसे काट के देखिए, ईजिली कट होगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा पार्ट आपको रॉ नज़र आएगा, हल्का सा कच्चा। तो समझ जाइए ये पूरी तरह से डन है, 90% तक कुक हो गया। बाकी का जो 10% है वो हम जब इसे सॉसेस के साथ पकाएंगे, सब्जियों के साथ, तब वो डन हो जाएगा। तो इसे छान के मैंने अलग कर लिया है, आप चाहें तो इसके ऊपर तेल स्प्रिंकल करके इसे रख सकते हैं, या फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं 1/2 घंटे के लिए। इनसे भी चाउमीन काफ़ी खिला हुआ बनेगा। अब एक बॉल में हम ऐड करेंगे सारे सॉसेस। तो यहाँ पर मैंने विनेगर ऐड किया है 2 छोटी चम्मच, रेड चिली सॉस डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, इसके साथ यहाँ पे डार्क सोया सॉस मैंने ऐड किया है, लेकिन आप लाइट सोया सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डार्क सोया सॉस ऐड करने से कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब डालेंगे टोमेटो केचप, सॉसेस की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिए। अब डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर, थोड़ा सा क्रश करके ऐड किया मैंने। यहाँ पर ऐड किया है 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, इसकी भी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सबको मिक्स करके साइड में रख लीजिए। इस तरह करने से आपको बहुत आसानी होगी चाउमीन, फ्राइड राइस, इस तरह की डिशेज को बनाने में। तो ये देखिए मिक्स कर लिया हमने, साइड में रखते हैं। और अब हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे, बहुत अच्छी तरह से उसे गर्म करना है, गैस का फ्लेम हाई रखिए, बिल्कुल हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो वही फ्लेवर आएगा। तेल डालने के बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे अदरक लहसुन को, और लगभग 1/2 मिनट के लिए इसे भून लीजिए। कढ़ाई बहुत अच्छी तरह से गर्म होगा तो ये बहुत जल्दी भून जाते हैं, तो ये कुकिंग काफ़ी फास्ट होती है। इसके बाद अब डालेंगे इसमें सब्जियों को। तो यहाँ पे मैंने प्याज, कैप्सिकम, कैरेट, और यहाँ पे ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट भी ऐड करेंगे बाद में, और गार्निशिंग के लिए तो उसे रखेंगे। अब इसे लगभग 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनिए। सब्जियाँ पूरी तरह से क्रंची रहनी चाहिए, हमें सॉफ्ट नहीं करनी है। तो हाई फ्लेम पे जब हम इसकी कुकिंग करते हैं तो ऊपर में एक क्रिस्पी सी लेयर आती है। थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड कर दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ध्यान ये रखते हुए कि सॉसेज में भी नमक है। तो यहाँ पे मिक्स कर लिया है मैंने, और हाई फ्लेम पे कुकिंग करने से आप देखेंगे सब्जियों का रंग बिल्कुल उसी तरह से बना रहता है। तो लगभग 1 मिनट के लिए मैंने पका लिया सब्जियों को। अब इसमें सॉसेज ऐड कर देंगे जो हमने मिक्स करके रखा था, उसे मिक्स कर देंगे लगभग 10 से 20 सेकेंड के लिए। तो आप देख रहे हैं फटाफट बन रही है ये रेसिपी, सब कुछ तैयार करके रखिए और इजीली ये बन जाती है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे बनाइए। सॉसेस को मिक्स करने के बाद अब बारी आती है इसमें चाउमीन ऐड करने की, जिसे मैंने 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पे चाउमीन देख के आपको लग रहा होगा कि ये कितने स्टिकी हैं, लेकिन जैसे ही ये सॉसेज और सब्जियों के साथ भुनेंगी आप इनका टेक्स्चर देखेंगे कि ये बिल्कुल अलग अलग नज़र आएंगे आपको।
सबसे पहला टिप ये है कि आप इसे 90% तक कुक कीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर तेल स्प्रिंकल करके इसे फैन के नीचे रख सकते हैं या फिर फ्रीज में रखिए। उस कंडीशन में आपको इसमें तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तब आप देखेंगे कि चाउमीन कितनी अच्छी बन के निकलेगी। ये देखिए ईजिली ये मिक्स हो जाती हैं, आप चाहें तो 2 स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें मिलाने के लिए। बस जैसे ही ये मिल जाए गैस का फ्लेम ऑफ कीजिए, बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। आप यहीं पे देख सकते हैं इनका टेक्सचर, बिल्कुल खिली हुई चाउमीन, कलर भी बहुत अच्छा आता है, स्पेशली जब आप डार्क सोया सॉस इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा कलर आएगा। स्ट्रीट साइड में जब ये बनती है तो वहाँ फूड कलर का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसे अवॉइड करना ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर लिया है, ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं स्प्रिंग ऑनियन के ग्रीन पार्ट से, आप चाहें तो सेसमी सीड बीट के ऊपर डाल सकते हैं। तो इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर अच्छी लगती है तो इन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।